हैं आदरणीय चौरसिया जी, महाराजगंज के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर। आपसे महाराजगंज में जो दुकानें बंद हो रही हैं, आप लोगों का जांच चल रहा है एसआईवी का, एसआईवी चल रहा ना, तो ये जो दुकानें सारे छोटे मोटे सभी लोग बंद कर दिए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लगभग मैंने किसी दुकानदार को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड जांच हो रही है और केवल महाराजगंज में नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ हो रही है। इसमें जैसे महाराजगंज में कल भी उन्होंने बताया था कुल 3 टीमें हैं, जिसमें कुछ सेक्टर के भी अधिकारी सम्मिलित हैं, जैसे मैं भी हूँ, और दोनों टीमों में पूरे गोरखपुर के अधिकारी सम्मिलित हैं, कल भी हमने ये बयान दिया था। और किसी भी व्यापारी को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेखा भैया सही हैं, इनवाइसिंग सही हो रही है, मतलब सबको जीएसटी बिल दिया जा रहा है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपना व्यवसाय निरंतर जैसे करते पहले थे वैसे ही करते रहें। छोटे मोटे चाय की दुकान बंद कर दी है, इसमें चाय की दुकान ये सबको डरने, छोटे मोटे किराना की दुकान बंद कर दिए हैं, जो छोटे छोटे किराना की दुकान बंद कर दिए हैं वो सब जीएसटी के अंतर्गत नहीं, जो 10 रुपया 5 रुपया का बेचता है वो भी छोटे मोटे किराना की दुकान बंद कर दिए हैं। नहीं, उनको डरने की जरूरत नहीं, उनको बंद करने की जरूरत नहीं, अपना जैसे काम कर रहे हैं उस तरह काम करते रहे। ठीक बस। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।